स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। वो एक इवेंट में समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। इस बीच स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री टॉमस तराबा ने भरोसा जताया है कि फिको को कुछ नहीं होगा। तराबा ने कहा, मुझे भरोसा है कि वो बच जाएंगे, इस समय वो खतरे की स्थिति से बाहर हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि राजधानी से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक केंद्र के बाहर प्रधानमंत्री फिको पर 5 गोलियां चलाई गईं। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब यूरोपीय संसद के लिए सांसदों को चुनने के वास्ते पूरे यूरोप में होने वाले चुनावों से 3 हफ्ते पहले राजनीतिक प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस बीच कुछ विपक्षी नेता अब इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि फिको इस स्थिति का चुनाव में फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा ने प्रधानमंत्री पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं रॉबर्ट फिको को इस नाजुक क्षण में ताकत देने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं।